चित्त विवर्त, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें कोई मस्जिद क्लीनर के रिलेटेड काम बताएं, जो सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना और जो हरम शरीफ है वहाँ पे जो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं उन लोगों से जो है मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आती हैं, तो जो लोग भी जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो आप लोग अपनी कंट्रीज़ में जो एजेंट लोग आप लोगों को कहते हैं कि 2500 सैलरी है, 1800 रियाल सैलरी है, 2000 रियाल सैलरी आपका, 2 लाख जो है आपकी कंट्री के पैसे हैं वो खर्चा आएगा, जिसमें आपको कंपनी टिकट वीज़ा और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो गाइस आज मैं आप लोग के साथ ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का खर्चा कितना आएगा और आप लोगों को जो है सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, और इसके अलावा आप लोगों को जो है कंपनी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। गाइस अगर सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की तरफ से अगर वीज़ा मिलता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक हो गया। अब इसमें कुछ लोग जो कहते हैं कि 2000 जो है सैलरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही 2000 सैलरी है, ना ही 1800 सैलरी है, ना ही 2500 यानी कि 2500 सैलरी है। अब काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि जो है लोग कहते हैं कि 2500 सैलरी है, कोई कहता है 1800 सैलरी है, काफ़ी एजेंसीज वाले हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे यही पता चला है कि इतनी सैलरी कहीं भी नहीं मिलती। अगर आप लोग सऊदी में मस्जिद क्लीनर का काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी आप लोगों की जो है कि 500 + 200 होगा, 500 सैलरी होगी प्लस 200 जो है आप लोगों को खाने का दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है जो रूम है वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे, जैसा कि इंश्योरेंस हो गया, आने जाने की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कंपनी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो एयर टिकट्स हैं वो आप लोगों को 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी के साथ आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अब सैलरी इसमें कम क्यों है, मैंने जो लोगों से बात की उन्होंने कहा है कि ये कंपनी बहुत कम सैलरी देती है, इस वजह से कि यहाँ पे जो टिप्स वगैरह हैं मक्का के अंदर, मदीना के अंदर और जो हरम शरीफ के अंदर जो टिप्स वगैरह हैं, जो हाजी लोग जाते हैं, जो लोग उमरा करने जाते हैं, वो लोग जब देखते हैं कोई बंदा मस्जिद की सफाई कर रहा है तो उसको टिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसीलिए कंपनी की तरफ से जो सैलरीज हैं वो काफ़ी कम दी जाती हैं, ताकि अभी भी अगर आप लोगों को 500 प्लस 200 अगर फॉर एग्जांपल सैलरी मिलती है तो उसमें कम से कम जो है आप लोगों को 1500 से 2000 रियाल टिप वगैरह महीने की मिल जाती है, वहाँ के लोगों का ये कहना था। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टिप नहीं मिलती, और कुछ एरियाज़ हैं अगर आप लोगों की ड्यूटी मक्के के अंदर, मदीने के अंदर या हरम शरीफ के अंदर लगती है तो वहाँ पे आप लोगों को जो टिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, जिससे आप लोगों की सैलरी 3000 तक जाने के चांसेस होते हैं। तो मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 2500 सैलरी नहीं है, कोई जो है 2000 सैलरी नहीं है, कोई जो है 1800 सैलरी नहीं है, सैलरी जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताई है 500 + 200 आपकी सैलरी होगी, 200 जो है आप लोगों को कंपनी की तरफ से फूड अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि 200 रुपये आप लोगों को खाने का दिया जाएगा। इसके अलावा कमरा आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ, रिहाइश आप लोगों को दी जाएगी, फीज़ा आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी बेनिफिट होते हैं जैसा कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कंपनी ने आपका करवाना है, इसके अलावा बाकी जो भी होते हैं जैसा कि आने जाने का, बस का और जो एयर टिकट्स वगैरह आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई बंदा कहता है कि मेरे पास जो है हरम शरीफ मस्जिद के क्लीनर के वीज़े हैं तो वो आप लोगों से झूठ कहेगा। अगर आप लोगों से सबसे पहले क्या कहेगा, वहाँ की 1800 सैलरी है, 2000 सैलरी है, तो मेरा भाई इतनी सैलरी नहीं होती, उस बंदे की बातों में नहीं आना, और ना ही आप लोगों ने कोई एडवांस पेमेंट उसे देनी है। जो बंदे ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी का दोस्त काम कर रहा है या किसी का कज़न्स वगैरह काम कर रहा है, आप लोग उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे 500 सैलरी दी जाती है प्लस 200 फूड अलाउंस दिया जाता है, ठीक होगी, ये आप लोगों की सैलरी होती है। अब ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को वहाँ पे टिप्स वगैरह मिलेगी या नहीं। अगर आप लोगों को वहाँ पे अच्छी टिप्स वगैरह मिलती हैं तो आप लोगों की सैलरी 3000 तक बनती है, अगर आप लोगों को अच्छी टिप्स वहाँ पे नहीं मिलती तो आप लोगों की सैलरी नहीं मिलती। एक बाबा जी 24 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि मैं यहाँ पे 24 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी अभी आके 850 रियाल हुई है, यानी 850 रियाल अभी हुई है, स्टार्टिंग में 700 थी,
तो कभी साल बाद 10 दिरहम बढ़ा, 10 रियाल बढ़ा दिए, 2 साल बाद जो है ना फिर 20 रियाल बढ़ा दिए, इस तरह 1 साल बाद 10 रियाल, 20 रियाल, 15 रियाल बढ़ा बढ़ा के कहते हैं अभी 24 साल के बाद जो है मेरी सैलरी 850 रियाल हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें 24 साल उसने काम किया है मकई के अंदर और उसकी जो सैलरी इतनी है। बाकी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, कहता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कहता है इधर उधर से बाकी और जो लोग उमरा करने आते हैं वहाँ वो लोग अच्छी टिप दे देते हैं तो गुजारा हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये जॉब मिलती है तो आप लोग सबसे पहले उमरा वगैरह वहाँ पे जाके आप लोग करेंगे, हज करने के आप लोग फर्स्ट चांसेस होते हैं। हज करने का एक बेसिक स्पेशल वीज़ा होता है जिस पे किया जाता है, और जो बाकी उमरा वगैरह है तो वहाँ पे आप लोग डेली करते हैं क्योंकि उसके राउंड अबाउट आप लोगों ने इर्द गिर्द सफाई वगैरह करनी होती है, जितना आप लोग घूमेंगे तो बस अल्लाह देख रहा है उसका असर आप लोगों को मिलेगा। तो एजेंटों से बच के रहें, किसी एजेंट के पास भी वीज़ा नहीं होता इस किस्म का कि वो आप लोगों को सऊदी में मस्जिद के काम के लिए भेजे और 1800-2000 रियाल आप लोगों को सैलरी बताए। जो बंदा आप लोगों को 1800-2000 रियाल सैलरी बताएगा वो आप लोगों से झूठ कहेगा, ठीक हो गया गाइस, किसी की बातों में नहीं आना और हर बंदे से बच के रहें। यहाँ पर तकरीबन 99% फ्रॉड चल रहा है।